रूप से उनका काम शुरू कराया जी सर। कंटीजेंसी में हमारे अजमेर जिले में टूवेल फिजिबल नहीं है सर और जरूरत भी नहीं है सर, क्योंकि हमारे दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। अजमेर के प्रभारी मंत्री श्री प्रमोद बहन जैन भाया जी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग ली थी, जिसमें हमारे समस्त जो DLOs हैं मुख्य रूप से उनके साथ चर्चा की गई, और मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, जो हम लोगों ने सैम्पलिंग रेट्स बढ़ाई है उसके चलते कुछ पॉजिटिव्स भी आए हैं, उसके बारे में उन्होंने हमसे फीडबैक लिया। और इसके साथ साथ जलदाय विभाग के अभी जो कार्य चल रहे हैं उसमें पानी के संबंध में क्या वितरण के संबंध क्या अभी कितनी टाइम पे वो वितरण हो रहा है उसके बारे में, हैंडपम्प्स रिपेयर मेंटेनेंस के बारे में जानकारी ली है, और इसके साथ साथ जो उचित मूल्य के दुकान हैं और जो कर्फ्यू क्षेत्र में फूड की सप्लाई हो रही है, और इसके अलावा जो ड्राई फूड राशन के वितरण हो रहे हैं और फूड पैकेट्स वगैरह के सभी के बारे में हम लोगों ने जानकारी दी है, और उन्होंने ये निर्देश दिया है कि जो आम जनता है उनको राहत मिलनी चाहिए, और जो कोरोना के बारे में हम लोगों ने नीति अपनाई है उसको हम इस तरह से लागू करें कि ये कंटेनमेंट जोन से ज़्यादा बाहर नहीं फैले, और इसके संबंध में हम लोगों ने अवगत कराया है कि हमारा भी जो ध्येय है कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन हैं, 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं और जिनके डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, तो उन लोगों को हम प्राथमिकता के लेके सैम्पलिंग कर रहे हैं ताकि ज़्यादा ये कोरोना नहीं फैले और वल्नरेबल ग्रुप्स की जो है हम उनकी जीवन रक्षा कर सकें। तो ये सब डायरेक्शंस मंत्री जी ने दिए हैं और हम इसकी पालना करेंगे। सर, अजमेर के सैटेलाइट हॉस्पिटल से लगातार दो दिन से मामले आ रहे हैं, उसके जांच चल रही है, और कांटेक्ट ग्रुप में जो लोग हैं उसके हम ट्रेस कर रहे हैं, कांटेक्ट ट्रेसिंग से ही पता चल पाएगा कि वहाँ से कैसे फैला। हाँ बिल्कुल, सारी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, मुख्य रूप से कांटेक्ट ट्रेसिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि वहाँ कैसे फैला।